और सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। तेजपुर के एयरफोर्स स्टेशन की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू यहां पहुंची हुई हैं। आज सुखोई फाइटर जेट में उड़ान भरेंगी और उसकी ये पूरी तैयारी, दुश्मन देश को ये कड़ा संदेश यहां से दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई फाइटर जेट में उड़ान भरेंगी और उसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। असम के तेजपुर एयरबेस से ये तस्वीरें जहां राष्ट्रपति मुर्मू सुखोई 30 MIQ लड़ाकू विमान में को पायलट की सीट पर बैठकर उड़ान भरेंगी। और मैडम प्रेसिडेंट, कुछ ही क्षणों में आपको सुखोई 30 MQI में सवार दिखेंगी। ये उससे पहले तस्वीरें उनका इस उड़ान को उड़ाने वाले हैं, सुखोई 30 MQI को उड़ाने वाले हैं वो उनके साथ तस्वीर क्लिक करवाते हुए। और ये विशेष लम्हा उनके लिए भी है क्योंकि उड़ान तो कई बार भरी होगी लेकिन तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर के साथ उड़ान भरना किसी भी पायलट के लिए गौरव का क्षण। और इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो आपको यह भी बता दें कि इस समय चीन से लगी सीमा पर सेना को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है लेकिन लगातार आपको बता दें कि भारत मुंहतोड़ जवाब भी उसका दे रहा है। ऐसे समय में राष्ट्रपति का सुखोई लड़ाकू विमान में उड़ान भरना भारत की तरफ से दुश्मन देश को एक कड़ा संदेश देने जैसा है। तेजपुर एयरफोर्स बेस की ये तस्वीर, देश की सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद अहम एयरबेस माना जाता है और यही वजह है कि यहां से जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ान भरेंगी तो सबकी निगाहें इस पर है, सीधे दुश्मन देश को ये एक तरीके से चेतावनी के तौर पर। पूर्व राष्ट्रपति इससे पहले प्रतिभा पाटिल ने भी 2009 में उड़ान भरी थी और आपको बता दें APJ अब्दुल कलाम ने भी, रामनाथ कोविंद ने और अब द्रौपदी मुर्मू। तो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति और उनके साथ उड़ान भरना किसी भी पायलट के लिए गौरव का विषय। और उससे पहले ये तस्वीर इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण, सबके घरों की शोभा बढ़ाएगी। जितने भी सज्जन इसमें नजर आ रहे हैं खासतौर से एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी बिल्कुल बगल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के। और अब तैयारी पूरी हो चुकी है और कुछ ही क्षणों के बाद ये उड़ान भरने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्लेन के अंदर सवार होंगी, फाइटर जेट के अंदर सवार होंगी। सौमित्र सेन गुप्ता हमारे सहयोगी यहीं से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित्र, क्या कुछ तस्वीरें और अभी हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तैयार हो चुकी हैं उड़ान के लिए? जी एकदम, सुबह करीब 9:15 बजे राष्ट्रपति यहाँ पर पहुँची हुई है गुवाहाटी से फ्लाइट लेके। मैं सीधी तस्वीरें हम दिखाने के लिए कहूँगा कैमरा पर्सन को कि इस वक्त फ्लाइट में चढ़ने से पहले जो उनका जो यूनिफॉर्म है वो पहन के एकदम आ गई है और स्ट्रैपिंग किया जा रहा है इस वक्त और कुछ ही मिनटों में वो एयरक्राफ्ट में बैठेगी। मैं दिखाऊँगा कि यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट Sukhoi 30 जो जिसे कहा जाता है कि भारतीय वायुसेना का फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है, इसे इस पर ये फ्लाई करेंगी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। और उनका यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं कि ये जो सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति पूरी तरह से तैयार है फ्लाई करने के लिए। और ये जो तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन है ये काफ़ी स्ट्रैटेजिकली भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर राष्ट्रपति का फ्लाई करना वो भी फ्रंट लाइन फाइटर जेट में वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सामरिक लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण जैसा कि इस वक्त सौमित्र समझा रहे हैं क्योंकि अरुणाचल और असम के बीच इकलौता ऐसा एयरबेस जहां पर फाइटर जेट्स की तैनाती है, ड्रोन की तैनाती है, फाइटर हेलीकॉप्टर्स की तैनाती है। और यहां पर इस वक्त तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं एयरफोर्स की पारंपरिक वेशभूषा में, फाइटर पायलट्स की पारंपरिक वेशभूषा में। उनके हाथ में हेलमेट मौजूद है और विशेष रूप से ये जो यूनिफॉर्म है ये एयर प्रेशर को झेलने में सक्षम है और इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति उड़ान भरता है तो उसको विशेष रूप से ये यूनिफॉर्म पहननी होती है क्योंकि बहुत दबाव होता है। इस विमान की जिसकी तस्वीर आप साथ में देख रहे हैं Sukhoi 30 MQI 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम, हालांकि अपनी टॉप स्पीड पर संभवतः नहीं उड़ेगा लेकिन 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम, 3000 किलोमीटर दूर जाकर अटैक करने में सक्षम, बहुत ही खास Sukhoi 30 MQI है। और इसके पीछे MQI इसलिए लगा है क्योंकि Sukhoi 30 तो वैसे
रूस की तरफ से बनाया जाने वाला एक फाइटर जेट है, लेकिन एमकेआई का मतलब यह है कि ये इंडिया में बनाया जाता है। एचएएल इसका प्रोडक्शन करता है और इसीलिए इसका नाम सुखोई 30 से अपग्रेडेड होकर सुखोई 30 एमकेआई हुआ है और कई मोर्चों पर महत्वपूर्ण भूमिका ये अदा कर चुका है। कई बार आपने युद्धाभ्यास के दौरान इसकी तस्वीरें देखी होंगी, कई बार आपने इसका प्रदर्शन एयरफोर्स के अलग अलग एयर शोज में देखा होगा और अब ये तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ान भरने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई और अब सुखोई 30 एमकेआई में सवार होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ जो फाइटर पायलट हैं वो इस वक्त धीरे धीरे जा रहे हैं। को पायलट की भूमिका में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको नजर आएंगी और ये देखिए तस्वीर, बहुत ही महत्वपूर्ण ये लम्हा, क्योंकि जिस एयरबेस पर इस वक्त द्रौपदी मुर्मू हैं वो सामरिक लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ चीन नहीं, पास में बांग्लादेश की सीमा भी जुड़ती है, म्यांमार भी है, भूटान भी है, तो जहां जहां से भी खतरे की गुंजाइश है उन सभी खतरों से निपटने के लिए ये एयरबेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में सामरिक लिहाज से। और ये देखिए इस वक्त द्रौपदी मुर्मू सवार हो रही हैं सुखोई 30 एमकेआई में और कुछ ही वक्त के बाद ये फाइटर जेट आपको हवा में नजर आएगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुखोई फाइटर जेट में उड़ान भरने के लिए अब तैयार हो चुकी हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त असम के दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू पहुंची हुई हैं और सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। खास करके जैसा अभी हमने आपको बताया है कि कई देशों की सीमाएं इससे लगती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर चीन की होगी, क्योंकि ये चीन जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में लगातार घुसपैठ की भी कोशिश, जिन बॉर्डर इलाकों में भारत के करने की कोशिश कर रहा है उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और किस लिहाज से ये सुखोई इतना महत्वपूर्ण है इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर इस वक्त सीधी आप देख रहे हैं, दुश्मन को कड़ा संदेश। और आज तेजपुर एयरबेस की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। द्रौपदी मुर्मू फाइटर जेट के भीतर, सुखोई के भीतर यहां पर पहुंच चुकी हैं और अब ये उड़ान भरने को तैयार हो रहा है। थोड़ी ही देर में उड़ान भरेगा ये फाइटर जेट सुखोई 30 में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये उड़ान है और कई मायने में ये बहुत खास है, लेकिन राष्ट्रपति का जो ये दौरा है उस दौरे के बीच में ये तयशुदा जो इनका कार्यक्रम था। सौमित्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौमित्र, जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मैडम प्रेसिडेंट इस वक्त सुखोई 30 के भीतर जा चुकी हैं। देखिए आपसे कुछ ही मिनटों में ये उड़ान भरेगी ये सुखोई एयरक्राफ्ट, और जो बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट का ये जो 3 दिनों का असम दौरा था ये इसी इस फ्लाइट के साथ ही वो ख़त्म होगा और प्रेसिडेंट फिर लौट जाएंगी। लेकिन इस दौरे में ये जो तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन है यहाँ से फ्लाई करना, वो भी सुखोई 30 में, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है सामरिक लिहाज से। हम जैसे बता रहे थे कि ये जो एयरबेस है, एयरफोर्स स्टेशन है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से एकदम बहुत पास है, यहाँ से हर 24 घंटे निगरानी रखा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, और ये सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण एयरफोर्स स्टेशन है। इसके अलावा भी दो और स्टेशन है, असम के डिब्रूगढ़ में है एक और पश्चिम बंगाल के हांसीमाड़ा में, लेकिन तेजपुर बहुत पुराना है और यहाँ पे ये सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है। और यहाँ से जब खुद देश की राष्ट्रपति वो यहाँ पर पहुँचती है और वो यहाँ से सुखोई में फ्लाई करती है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है सामरिक लिहाज से। जैसे हमने बताया कि ये जो एयरफोर्स स्टेशन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ देश के राष्ट्रपति जब जिनको सेना के सुप्रीम कमांडर की पद मिला हुआ है, उनको माना जाता है देश के भारतीय वायुसेना, स्थल सेना और नौसेना के सुप्रीम कमांडर है, जब सुप्रीम कमांडर खुद देश के फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट फाइटर जेट के जेट में बैठ के उड़ान भरती है, तो ये जो जवान है उनके मन में भी एक मनोबल बढ़ाता है। और जाहिर सी बात है कि प्रेसिडेंट का आज का ये दौरा उसी को नज़र में रखते हुए ये दौरा किया गया है। प्रेसिडेंट के साथ असम के मुख्यमंत्री और राज्यपाल वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन प्रेसिडेंट अकेले ही ये फाइटर जेट में सवार हुई है और अभी कुछ ही मिनटों में वो यहाँ से फ्लाई करेंगे और ये सॉर्टी लेके जब यहाँ पर पहुँचेंगे
जाएंगी, उसके बाद राष्ट्रपति भवन की तरफ से भी हमें बताया जाएगा कि ये कितने दूर तक गया, किस क्षेत्र में ये गया और किस लेवल में ये फ्लाई कर रहा था। क्योंकि प्रेसिडेंट यहाँ पे पहुँची हुई है तो सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये एक तो एफओ स्टेशन है, काफ़ी टाइट सिक्योरिटी है और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट का जो अलग से सिक्योरिटी फोर्सेस है वो भी यहाँ पे डिप्लॉय है। हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं तेजपुर से एयरफोर्स स्टेशन से कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त एयरक्राफ्ट में बैठ चुकी है और एयरक्राफ्ट स्टार्ट भी हो चुका है। अब लास्ट मिनट का जो सजेशन है, जो फाइटर्स है यहाँ पर जवान जो है और फाइटर प्लेन के जो पायलट्स है वो प्रेसिडेंट को लास्ट मोमेंट का जो एडवाइजरी है वो समझा रहे ऐसे ही पता चल रहा है। और इसके बाद कुछ ही मिनटों में ये फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ करेगी और कुछ देर बाद यहाँ पे यहीं पे वो लैंड करेगी। तो हम आपको जैसे बता रहे थे कि एक तो प्रेसिडेंट को जैसे सुप्रीम कमांडर कहा जाता है भारतीय वायुसेना, स्थल सेना और नौसेना का, तो उनका यहाँ पे आना काफ़ी महत्वपूर्ण है और ख़ासकर ये फ्रंट लाइन फाइटर जेट में उनका ये फ्लाई करना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल सौमित्र बता रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त सुखोई में उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार और कुछ ही क्षण में आपको ये विमान आकाश में नजर आएगा। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शं दीप्तम और कुछ ही क्षणों के बाद वो पिक्चर आपको, वो तस्वीर आपको नजर आने वाली है। क्योंकि ये जो आदर्श वाक्य है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस पर वायुसेना हमेशा खरी उतरी है, टच द स्काई विद ग्लोरी। तो कुछ ही क्षणों के बाद उस कीर्ति को महसूस करने के लिए आकाश में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वयं नजर आने वाली हैं। और उससे पहले जो ज़रूरी प्रोटोकॉल हैं किसी भी उड़ान से पहले के, वो पूरे किए जा रहे हैं और विशेष एहतियात इसमें इसलिए बरते जा रहे हैं क्योंकि इसमें सवार हैं भारत की राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू, और इसीलिए विशेष रूप से एहतियात बरते जा रहे हैं। खास तौर पर एयर चीफ मार्शल खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं, तस्वीरें लगातार जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बता रहे हैं। हालांकि इसका एक फिक्स प्रोटोकॉल होता है जो सामान्य तौर पर अगर सामान्य उड़ान भी भरी जाती है तो इन सभी बातों का ख्याल रखा जाता है, लेकिन अतिरिक्त सतर्कता और अतिरिक्त ख्याल इसमें इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि इसमें को पायलट कोई ट्रेंड पायलट नहीं है बल्कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। और ये देखिए, हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए बताते हुए कि उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पायलट ने भी इशारा कर दिया है कि वो भी उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और कुछ ही क्षणों के बाद ये देखिए, हम आपको तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं। 25 नवंबर 2009 की तस्वीर भी आप याद कीजिए, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की, तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की तस्वीर, वो भी इसी तरह से उड़ान भरती हुई फाइटर जेट में, तब की तस्वीर। 8 अक्टूबर 2019 की तस्वीर जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उड़ान भरने के लिए पहुंचे थे और वो भी बहुत ही शानदार उड़ान थी। और अब ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुछ ही क्षणों के बाद सुखोई 30 MKI में उड़ान भरने जा रही हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और जैसा हमने आपको बताया है, ये विशेष हेलमेट जो आप देख रहे होंगे एयरफोर्स के एक और अधिकारी के हाथ में, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पहनाया जाएगा। और उसकी वजह ये है कि ऊंचाई बहुत होती है जहां तक फाइटर जेट जाते हैं, एयर प्रेशर बहुत होता है, लिहाजा ऑक्सीजन की आवश्यकता वहाँ पर पड़ती है और इसीलिए इस हेलमेट में वो सुविधा भी विशेष रूप से होती है जहाँ पर इस तरह का एयर प्रेशर झेला जा सके और ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए विशेष रूप से इस हेलमेट को जो एयरफोर्स के पायलट हैं, जेट विमान उड़ाने वाले पायलट हैं, वो पहनते हैं। और ये देखिए, जो मुख्य पायलट हैं वो आगे की फ्रंट सीट पर हैं और पीछे जो सीट है, दूसरी सीट है, उस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त बैठी हुई हैं। और बहुत ही रोमांचकारी ये अनुभव होता है, बहुत से लोगों का सपना होता है एयरफोर्स में पायलट बनने का। लेकिन आपको ये भी हम बता दें कि इस टेस्ट को पास करने के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका मौका जिंदगी में केवल एक बार मिलता है। अगर आप उस एलिजिबिलिटी टेस्ट में फेल हो गए तो दोबारा आपको ये मौका नहीं मिलता कि आप फाइटर जेट उड़ा सकें। बाकी सामान्य परीक्षाएं आप कई बार दे सकते हैं,
कई परीक्षाओं में 3 बार मौके होते हैं, कई में 4 बार मौके होते हैं, लेकिन एक फाइटर पायलट का जो टेस्ट है एलिजिबिलिटी का, उस टेस्ट को जिंदगी में केवल 1 बार ही दिया जाता है, या तो आप पास हो जाएंगे या फिर फेल हो जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक पायलट बनना, विशेष रूप से फाइटर पायलट बनना, और बहुत से लोगों का ये सपना पूरा होता है, बहुत से लोगों का ये सपना अधूरा रह जाता है। और इन सब के बीच आपके सामने ये महत्वपूर्ण तस्वीरें, इस वक्त इंडियन एयरफोर्स का Sukhoi-30 MKI उड़ान भरने के लिए तैयार है। तेजपुर एयरबेस की ये तस्वीरें सामरिक लिहाज से हमने आपको बताया बहुत ही महत्वपूर्ण, चीन की सीमा से बहुत ही करीब ये एयरबेस, और वहाँ से किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए किस तरह की वायुसेना की तैयारी है। बीते दिनों जो युद्धाभ्यास हुआ था उसमें भी भारतीय वायुसेना ने अपनी क्षमता और अपने कौशल को दर्शाया था, और एक बार फिर से एक संदेश, जब तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर मौजूद हैं, तो एक संदेश यहां से जाता हुआ कि भारत की वायुसेना किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इन सब के बीच तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, और कुछ ही क्षणों के बाद जो आसपास दोनों तरफ आपको स्टैंड नजर आ रहे हैं इस फाइटर जेट तक पहुंचने के लिए, वो दोनों स्टैंड वापस हटा लिए जाएंगे और Sukhoi-30 MKI फिर रनवे पर पहुंचते हुए उड़ान भरने के लिए तैयार होगा। और कुछ ही क्षणों में, क्योंकि बहुत तेजी के साथ ये उड़ान भरता है, इसकी जो स्पीड है Sukhoi-30 MKI के लगभग 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ता है। 2000 किलोमीटर प्रति घंटे तक इसको कई बार हवा में उड़ाया गया है। अब ये 3 तस्वीरें भी देखिए, हालांकि इससे पहले कुछ तस्वीरें मुझे और याद आ रही हैं, जब रामनाथ कोविंद उन्होंने उड़ान भरी थी, APJ अब्दुल कलाम उन्होंने उड़ान भरी थी, प्रतिभा पाटिल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 25 नवंबर 2009 की, जब प्रतिभा पाटिल पहुंची थी और उन्होंने फाइटर जेट में उड़ान भरी थी, उस वक्त की तस्वीर आपके सामने। और 8 अक्टूबर 2019 की एक और महत्वपूर्ण तस्वीर, जब रफाल में उड़ान भरते हुए राजनाथ सिंह नजर आए थे, और उसकी ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग वक्त पर अलग अलग फाइटर जेट्स में भारत के नेता सवार हुए हैं, राष्ट्रपति विशेष रूप से सवार हुए हैं, और इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनके आगे जो पायलट हैं वो एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि उड़ान के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। विशेष रूप से एहतियात हमने आपको बताया इसलिए बरते जा रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें सवार हैं। सामान्य तौर पर जो उड़ान भरने का समय होता है, अगर विपरीत परिस्थितियां हो तो सिर्फ एक अलार्म पर फाइटर पायलट्स तैयार होते हैं और वो पूरी तरह से तैयारी के साथ 30 से 40 सेकंड के अंदर इस उड़ान को हवा में ले जाने में सक्षम होते हैं, लेकिन इस वक्त विशेष रूप से एहतियात बरते जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू असम के दौरे पर, और आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर के जिस तरीके से तलखी चल रही है उन सब के बीच में सीमावर्ती इस इलाके में तेजपुर एयरबेस से उड़ान भरना, वो भी Sukhoi-30 में, ये बहुत बड़ी बात है दुश्मन देश के लिए भी। आपको तमाम खासियत भी हम बता रहे हैं, Sukhoi-30 MKI क्यों खास है, और इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं उड़ान भरने के लिए लगभग ये फाइटर जेट तैयार हो चुका है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ बातों का जिक्र किया जाए तो उसमें ये आ जाती है कि Sukhoi में लगने वाली ब्रह्मोस मिसाइल इसे सबसे ज्यादा घातक बनाती है। इसकी खासियत की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्पीड की अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा कॉम्बैट रेंज की अगर हम बात करें तो 3000 किलोमीटर, ये कुछ खासियत है इस Sukhoi की। फाइटर जेट की उड़ान से चीन को ये सीधा संदेश होगा, और वक्त वक्त पे हिंदुस्तान के जो नेता है, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे हो या इससे पहले राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की हम बात कर ले, APJ अब्दुल कलाम की बात करें, रामनाथ कोविंद की हम बात करें, उन्होंने उड़ान भरी है, और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू Sukhoi में उड़ान भरने के लिए तैयार है। सौमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौमित, और कितना वक्त हम देख रहे हैं लगातार राष्ट्रपति को एक एक ब्रीफ दिया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है, क्योंकि जाहिर से बात है एहतियातन अगर किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन स्टेप लेना है तो हर चीज की नॉलेज आपको होनी चाहिए, आप फाइटर जेट में एज अ को पायलट सवार हैं।
तो इससे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि प्रतिभा पाटिल हो या फिर रामनाथ कोविंद हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, इस फाइटर जेट में उड़ान उन्होंने भरी, लेकिन एयरफोर्स स्टेशन की अगर हम बात करें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पहुंची हुई हैं, जिस एयरबेस पर, ये तेजपुर एयरबेस की जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, न सिर्फ चीन बल्कि कई देशों की सीमाओं से लगा हुआ है, जिसमें भूटान की अगर हम बात कर ले वो भी महत्वपूर्ण है, और ये तस्वीर इस वक्त दुश्मन देश को कड़ा संदेश देने के लिए काफी है। और लगातार जिस तरीके की खबरें सामने आती है, खास करके इन सीमावर्ती इलाके से जहां इस वक्त राष्ट्रपति की मौजूदगी है, चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश करता रहा है, और ऐसे समय में राष्ट्रपति का ये सुखोई में उड़ान भरना भारत की तरफ से दुश्मन देश को एक कड़ा संदेश है। एयरफोर्स बेस देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम एयरबेस माना जाता है तेजपुर का, जो ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, और जबरदस्त उत्साह भी है हर किसी में, क्योंकि इस तरीके की जब तस्वीरें सामने आती है, और खास करके राजनेता, बीते कुछ दिनों में हमने देखा है, जैसे सेनाओं के बीच में चले जाना, पर्व त्योहार उनके बीच में मनाना, जो इक्विपमेंट्स आप लेकर के आते हैं, जो सुविधा आप उन्हें देते हैं, जिस तरीके की फाइटर जेट्स आप ले आ रहे हैं, उस चीज का खुद अनुभव करना, उसको टेक्निकली समझना, ये जोड़ता है देश की सेनाओं से एक राजनेता को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, बीते कई सालों में हमने ये देखा है कि वो खुद सेना के बीच मौजूद होते हैं और देश की सुरक्षा के लिए जो कुछ उन्होंने समझौते किए, जो उन्होंने अपने हथियार बेड़े में शामिल किया है, उसको खुद उन्होंने जाना है कि ये कितना सहूलियत आपके लिए देता है और कितना मजबूत ये आपको बनाता है। शौमित, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और कितना वक्त, क्योंकि सारी ब्रीफिंग यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी जा रही है अभी भी। देखिए, हम एक बार एकदम सीधी तस्वीरें दिखाएंगे दर्शकों को, क्योंकि राष्ट्रपति को ब्रीफिंग तो हो गई है, अभी वो जो अंदर बैठने के बाद जो जो लास्ट मोमेंट का जो बेल्ट लगाना या फिर ऑक्सीजन मास्क या फिर हेलमेट, ये सब का जो ये है, वो सीधी तस्वीरें हम यहाँ पे दिखा रहे हैं दर्शकों को, क्योंकि जैसे कि हम बता रहे थे, क्योंकि ये कोई ट्रेन पायलट नहीं है प्रेसिडेंट, लेकिन फिर भी वो ये जो सेना के मनोबल बढ़ाने के लिए वो इस तरह से एकदम फ्रंट लाइन फाइटर जेट में चढ़ के वो एक सॉटी लेने के लिए यहाँ तक पहुँची हुई है। तो जाहिर सी बात है, काफ़ी यहाँ पर जो मिनट टू मिनट जो स्टेपिंग्स है वो उसको काफ़ी फॉलो किया जा रहा है, और उनकी सुरक्षा के बारे में भी ध्यान रखा जा रहा है। हम आपको दिखा सकते हैं कि अभी ये जो लैडर लगा हुआ था, ये लैडर हट गया है, अभी बस कुछ ही क्षणों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो यहाँ से फ्लाई करेंगी। पायलट भी बैठ गए हैं, और उनको जो जानकारी देना था, जो ट्रेन करना था, वो पूरी तरह से वो हो गया है, और अब प्रेसिडेंट कभी भी यहाँ से उनकी वो फ्लाई कर सकती है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जैसे कि हम बता रहे थे कि सुखोई का एक महत्वपूर्ण भूमिका है भारतीय सेना के पास, और युद्धाभ्यास में भी हमने देखा है कि सुखोई का क्या क्षमता है, और सुपरसोनिक जेट है ये, और जब बताया जा रहा है, भारतीय वायुसेना की तरफ से बताया जाता है कि ये एकदम फ्रंट लाइन फाइटर जेट है, और ये जो तेजपुर का ये जो एयरबेस है, एयरफोर्स का बेस है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ठीक यहाँ से सबसे पास है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो अरुणाचल प्रदेश में है, भारत और चीन की सीमा, मैकमोहन लाइन से बहुत पास है ये इस एयरफोर्स स्टेशन। तो इसके मद्देनज़र ये एयरफोर्स स्टेशन से राष्ट्रपति की उड़ान काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और क्योंकि राष्ट्रपति देश के सेना के थल सेना, वायुसेना और नौसेना के सुप्रीम कमांडर है, वो जब ऐसी फ्लाई करती है, तो जाहिर सी बात है कि जो सेना के जवान हैं उनका मनोबल बढ़ता है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि फ्लाइट स्टार्ट दे चुका है, इंजन स्टार्ट दे चुका है, और उड़ान भरने के लिए लगभग तैयार है, और बस कुछ ही क्षणों की देरी है जब ये उड़ान भरेगी, और जैसे ही वो लैंड करती है उसके बाद राष्ट्रपति भवन से ये बताया जाएगा कि ये उड़ान जो भरी उसका क्यों उन्होंने यहाँ पर तेजपुर से ये उड़ान भरी,
और क्या महत्व है उनकी इस उड़ान की, और साथ ही साथ कितने ऊंचाई तक गए, कितने किलोमीटर से आठ नॉटिकल माइल्स तक ये उड़ान भरी, ये सारा डिटेल्स इनके उड़ान से लौटने के बाद ही राष्ट्रपति भवन से दिया जाएगा। थोड़ी देर में अब जो उड़ान की तैयारी थी वो पूरी कर ली गई है, तो ये फ्लाई करता भी Sukhoi-30 नज़र आएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें बैठी हुई हैं, को पायलट की सीट पे यहाँ पर बैठी हुई हैं, क्योंकि फाइटर जेट्स में आमतौर पे देखिए दो सीट्स होते हैं और इसमें दो हैं, इसमें पायलट और को पायलट हैं। फाइटर जेट की उड़ान से चीन ज़रूर परेशान, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में लगातार बीते कुछ सालों में हमने देखा किस तरीके से इन LAC का जो एरिया है उस पर चीन घुसपैठ की कोशिश करता रहा है और मनमाने तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश, तब भारतीय सैनिक की तरफ से, जवानों की तरफ से मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया था। और इसी इन क्षेत्रों में राष्ट्रपति पहुँची हुई हैं आज और यहाँ से उड़ान भर रही हैं फाइटर जेट में Sukhoi-30 में। तो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है और Sukhoi-30 MKI के जो पायलट हैं वो हर एक चीज़ को चेक कर रहे हैं, जो विंग्स हैं उनको चेक कर रहे हैं और जो तय प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक अब ये Sukhoi-30 MKI यहां से उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार। आसपास के स्टैंड हटा लिए गए हैं, इंजन शुरू हो गया है और इंजन की आवाज़ जैसे आपके ऊपर से भी कभी फाइटर जेट होकर गुजरा होगा तो ज़बरदस्त गर्जना आपको सुनाई देती है और इसके आसपास जो लोग खड़े हैं उस कंपन को भी महसूस कर पा रहे होंगे कि एक तो हैवी इंजन और जब ये आकाश में वायु को चीरता हुआ आगे बढ़ता है तो इसकी गर्जना अद्भुत होती है। और इसीलिए जब इसके आदर्श वाक्य को तय किया गया नभा स्पर्शम दीप्तम तो उसके पीछे भी उसका मतलब यही था कि आकाश में आकाश को छूता हुआ, वायु को चीरता हुआ और आकाश में कुछ इस तरह से दैदीप्यमान, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपना विशाल स्वरूप दिखाया और उस स्वरूप को देखने के बाद अर्जुन का हृदय भयभीत हो गया, कुछ उस अंदाज में भारतीय वायुसेना की कल्पना है और उसको साकार करते हुए भारतीय वायुसेना की फाइटर जेट हर बार अपना कौशल फाइटर पायलट्स दिखाते हैं और अपनी ताकत का प्रदर्शन भी जब भी मौका आया तो भारतीय वायुसेना ने किया है और एक बार फिर से उसी का एक नमूना इस वक्त आप देखेंगे। और अब ये इशारा है कि फाइटर जेट उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जरूरी ब्रीफिंग दी गई, क्योंकि एयरफोर्स का यह मानना है कि हर एक चीज की तैयारी पूरी होनी चाहिए, मुकम्मल होनी चाहिए, तो चाहे आपके पायलट हों या को पायलट वो पूरी तैयारी के साथ इस विमान में सवार होने चाहिए। और कुछ ही देर के बाद ये विमान जो तय स्थान है उससे रनवे की ओर आगे बढ़ता हुआ और इसके बाद ये रनवे से आपको तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ कुछ ही सेकंड्स के अंदर हवा में नजर आएगा, क्योंकि गति बहुत ज़्यादा है। और Sukhoi-30 MKI की बात करें तो लगभग 2500 से 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। हालांकि अपनी पूरी रफ्तार के साथ ये उड़ान नहीं भरेगा, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़बरदस्त फाइटर जेट है। और ये देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाथ हिलाकर ये बताती हुई कि वो पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं इस उड़ान को भरने के लिए। और ये देखिए रनवे पर अब ये फाइटर जेट आपके सामने।